सब्सक्राइब कीजिए राइसेंस कराज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए खुद के रिपेयर करके कुछ पैसे बचाने के लिए। अभी हेडलाइट निकालने के लिए आपको ये फ्रंट फेयरिंग निकालना पड़ेगा, तो इसको रहते हैं ये 5 स्क्रू, तो इधर एक स्क्रू रहते हैं वो निकाले और पीछे 4 रहते हैं वो निकालने हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रायसन और रायसन के राज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके मुझे अभी ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी एक्सेस का हेडलाइट कैसे रिप्लेस करते हैं वो दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब स्क्रू निकालने के बाद आपका फेयरिंग जो है वो ऐसा बाहर निकलेगा। अब इसके हेडलाइट का कनेक्शन जो है वो छोड़ दीजिए। अभी आपका फेयरिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी इसमें से हम लोग हेडलाइट निकालेंगे। अभी ये हेडलाइट के नीचे के साइड में एक स्क्रू रहता है, वो आपको निकालना है। अभी ये स्क्रू निकालने के बाद हेडलाइट जो है वो क्लिप्ड रहता है फेयरिंग को, इसको आपको आराम से खींचना है और ये क्लिप्सों से बाहर निकालना है। ऐसे अभी आपका हेडलाइट बाहर निकलेगा। अभी ये निकालने को ज़्यादा टफ है तो आप इधर इस पर लुब्रिकेंट स्प्रे कर सकते हैं और बाद में ये आराम से बाहर आएगा। अब आपको हेडलाइट रिप्लेस करनी है तो आपको पहले ये बल्ब होल्डर जो है वो ट्विस्ट करके बाहर निकालना पड़ेगा और बाद में आप इजीली इसको नए वाले पे डाल सकते हैं। मैं इधर रिप्लेस नहीं करूँगा, मेरा सिर्फ ये पार्ट जो है थोड़ा टूटा हुआ है वो मैं एरल्डाइट से अभी चिपकाऊँगा और यही हेडलाइट फिर से वापस डालूँगा। अभी ये टुकड़ा जो टूटा हुआ था वो मैंने एरल्डाइट गम से जोड़ दिया है। अभी ये बहुत स्ट्रांग हो गया है तो अब मैं इसको वापस डालूँगा और अब मेरी हेडलाइट जो है अच्छी फर्म तरीके से बैठेगी। अभी आपको हेडलाइट की असेंबली फिर से फेयरिंग में डालनी है, तो आप ऐसे स्लाइड करके अंदर डालिए एक साइड से और दूसरे साइड से प्रेस कीजिए और आपकी हेडलाइट की असेंबली फेयरिंग के सीधी अंदर जाएगी और बाद में आपको वो नीचे का स्क्रू डालना है ये वाला। ये स्क्रू आपको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपकी हेडलाइट फिर से टूट जाने की संभावना है, इसलिए थोड़ा टाइट कीजिए। अभी इधर मेरा हेडलाइट की असेंबली फेयरिंग में डाल के हो गई है। अब मैं फिर से प्लग डालूँगा हेडलाइट का और फिर से फेयरिंग ये 5 स्क्रू डाल के फिट करूँगा। तो ये लास्ट स्क्रू डाल के आपकी हो गई हेडलाइट रिप्लेस करके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। तब तक आपका ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।